पूर्व स्वर्गीय श्री कमल सिंह पड़ेरिया जी की 24 पुण्यतिथि स्वास्थ्य केंद्र में फल वितरित करके मनाई गई। पूर्व विधायक कमल सिंह पड़ेरिया जी की पुण्यतिथि के मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किए फल वितरित। पिछोर के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय श्री कमल सिंह पड़ेरिया जी की 24वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित पड़ेरिया एवं नगर के गणमान्य नागरिक पत्रकार गण डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा सामाजिक लोग उपस्थित रहे और उनके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछोर में मरीजों को फल वितरित किए गए। इसी के साथ अस्पताल में जब चाय चलिया तो काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसमें भीषण गर्मी में अस्पताल के कूलर बिना पानी के चलते मिले, तो वहीं पेयजल की भी उपस्थित व्यवस्था नहीं थी। वहीं एक मरीज लंबे समय से डिलीवरी की राशि के लिए परेशान हो रहा था, जिसने जिला पंचायत उपाध्यक्ष से शिकायत की, जिसके बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने तुरंत CMHO से फोन पर चर्चा की, जहां CMHO ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। मैं आपका मेरा सुषपाल सिंह लोधी बात कर रहा हूं। अच्छा सुषपाल, आप यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, क्या समस्या को लेकर आए? सर ये समस्या है कि मैं 3 दिन से आ रहा हूं धूप में वो भी, और यहां पे कोई बैठता नहीं है। क्या समस्या क्या है? काय के लिए समस्या ये है? डिलीवरी के कागज वाला नहीं हुई है। अच्छा, तो डिलीवरी कब हुई थी? वे हुई थी 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना? हाँ। तो जो डिलीवरी का सरकारी पैसा मिलता है वो नहीं मिला? नहीं आया वो। अच्छा, बोलते हैं 4 दिन में आ जाता है, 1400 रुपये, वो भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो आप कितने दिनों से बार बार चक्कर लगा? 3 दिन से आ रहे हैं हम। 3 दिन से आ रहे हैं ऐसी गर्मी में? हाँ। तो अधिकारी नहीं मिलते हैं? नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं मिला मेरे लिए। अच्छा, जो BMO है भटकारिया जी, वो नहीं मिले आपको? नहीं, वो बोल रहे थे होगा कहीं पे, मैंने सब नहीं तला था, लेकिन मिला नहीं। नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। तो इस तरह से आप परेशान हो रहे हैं? हाँ। सर अस्पताल में आप निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया गया? क्या नहीं, नहीं नहीं, मैं निरीक्षण नहीं किया। मेरे पिताजी की आज पुण्यतिथि थी, 24 पुण्यतिथि थी। मैं हर साल उस उनकी पुण्यतिथि पे अस्पताल में फल वितरित करने आता है मरीजों का, मैंने निरीक्षण नहीं किया। लेकिन चूंकि मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ, तो लोगों ने मुझसे कंप्लेंट की और मैंने अपनी आंखों से भी देखा कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत फैली है। क्या क्या कंप्लेंट है? कंप्लेंट है पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, BMO है, कोई बाहर से है, मनपुरा से है, क्या नाम है उनका, रोहित भटकारिया जी, वो मैं 4-5 बार आए, वो मुझे आज तक नहीं मिले। मेरी अभी CMHO साहब से बात हुई है, उन्होंने मुझे जांच का आश्वासन दिया है, और आप भी मेरे संग, आप देख रहे हैं समस्या है। मरीजों को पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी यहाँ पे? नहीं 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 है, मरीजों की व्यवस्था नहीं है। मरीज ने उन्होंने मुझसे कंप्लेंट करी, कूलरों में पानी भी नहीं है, आपको भी मैंने दिखाया, आपने भी, आप भी तो मेरे संग में रहे हैं, कूलरों में पानी नहीं है आदमी, और टेम्परेचर 46-47 जा रहा है। आप रसोई में भी गए थे, क्या देखा आपने? रसोई में गए थे तो रसोई की व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी CMO साहब से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं जांच कराता हूँ। एक व्यक्ति भी काफ़ी दिनों से परेशान है, उसकी डिलीवरी, पत्नी की डिलीवरी के पैसे नहीं आए 1.5 महीने तो हो गए। उसका वो ऑनलाइन किसी पे नहीं गया, वो आ गए हैं, ऑनलाइन हो रहा है उनका, वो 5 महीने बता तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएँ भारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अव्यवस्था है हॉस्पिटल में, जबकि यहाँ ये चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछोर की हॉस्पिटल की एक साख रही है अपने आप में, क्योंकि जिले के अच्छे हॉस्पिटलों में पिछोर की गिनती होती थी। अभी आपने जानकारी ली कि इस समय कौन कौन से डॉक्टर, कौन कौन से कंपाउंडर, कौन कौन से नर्स उपस्थित रहना चाहिए, वो है कि नहीं? अभी डॉक्टर शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, और यहाँ BMO नहीं है तो डॉक्टरों के पास क्या बात करें।